चलो आज मैं आप लोगों के साथ में रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंजू है और ये मेरा चैनल है। सबसे पहले मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैंने घर पे ही बनाया है। ये मैंने कैसे बनाया मेरे एक शॉर्ट वीडियो में मैंने पहले बता दिया है, लेकिन ग्रेफाइट यूज़ करते टाइम ना आप ये वाली गलती मत करना। म्यूजिक ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करने से जितना काम इजी होता है ना, उससे कई गुना उसे संभालना भी होता है। मैंने गलती से यहाँ पे फूंक मार दी थी, वो भी गलती से, हाँ, और पूरी मेरे पोर्ट्रेट के ऊपर ग्रेफाइट उड़ चुका था। एंड थैंक गॉड जैसे तैसे करके मैंने इसको संभाल लिया। तो अगर आपके पास ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट पाउडर नहीं है, तो आपको कोई भी पुरानी पेंसिल लेनी है एंड उसको जो रेग मार्क होते हैं ना उसके ऊपर आप अगर इसे रफ करोगे ना, तो बहुत अच्छा वाला आपको एक ग्रेफाइट पाउडर मिल जाएगा। तो एक टाइट सा ब्रश लेना है आपको, मेकअप ब्रश भी ले सकते हो या फिर अलग से पेंटिंग ब्रशेज भी आते हैं, उसमें एक टाइट सा ब्रश लेना है एंड जहाँ जहाँ पे हेयर में, जैसा कि आपके पोर्ट्रेट में आपके रेफरेंस में बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, जहाँ जहाँ पे डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स हैं, वहाँ पे आपको ग्रेफाइट्स को कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है उस तरीके से आपको उसे ब्लेंड करना है। एंड उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में उसके जो शार्प एजेस बन गए ना थोड़ी थोड़ी, उनको भी थोड़ा हमें ब्लेंड करना है ताकि वो रियलिस्टिक लगे। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमने डार्क शेड कर लिया वहाँ वहाँ पे उसको छोड़ने के बाद में हमें एकदम लाइट शेड से स्ट्रोक्स स्टार्ट करने हैं हेयर की डायरेक्शन में ही। लाइट शेड से मेरा मतलब है कि आप 2B पेंसिल भी ले सकते हो या 4B पेंसिल भी ले सकते हो। एंड जैसे जैसे हेयर के स्ट्रोक्स हैं वैसे वैसे उसी डायरेक्शन में हमने हेयर के स्ट्रोक्स लगाने हैं जैसे आपका पोर्ट्रेट में दिखाया गया है। एंड उसके बाद में उसे किसी ब्रश से हम ब्लेंड करेंगे। अब आप बोलोगे कि इसे ब्लेंड क्यों किया। इसे ब्लेंड करने के बाद में हमारे जो टोनल वैल्यूज़ हैं, जो मिडल वैल्यूज़ हैं, जो लाइट वैल्यूज़ हैं, वो अपने आप ही हमें मिल जाती हैं। बिकॉज जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पे तो हमने चोरी ग्रेफाइट यूज़ कर ही लिया है, तो अब हमें लाइट शेडोज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद में डार्क शेड की पेंसिल लेंगे, कोई भी आप 8B भी ले सकते हो या 10B भी ले सकते हो। उसके साथ में सेम जैसे हमने लाइट शेड वाली पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाए थे उसी तरीके से इससे भी हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं सेम डायरेक्शन में एंड इसको भी हमें ब्लेंड करना है। एंड उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के लिए आप इस तरीके का कोई भी पेन इरेजर भी ले सकते हो या फिर क्ले इरेजर्स भी आते हैं या फिर आप कोई भी वाइट कलर की पेंसिल आती है जो हाईलाइट्स, जो स्पेशली हाईलाइट के लिए होती है, आप वो वाले भी ट्राई कर सकते हो। जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो और जिससे लगे आपको लगे कि आप इजीली हाईलाइट्स कर सकते हो, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेन इरेजर ही यूज़ कर रही हूँ। सेम टेक्निक का यूज़ करके हमें पूरा कंप्लीट हेयर को शेडिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चारकोल से या फिर ग्रेफाइट पाउडर से जहाँ जहाँ आपकी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग डार्कनेस है वहाँ वहाँ हम डार्कनेस करेंगे। उसके बाद में लाइट शेड की पेंसिल लेनी है, 2B ले सकते हो या 4B भी ले सकते हो या HB भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो इन तीनों में से कोई भी शेड। उसके साथ में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ जिस तरीके से हेयर्स के स्ट्रोक्स हैं उसी शेड में उसी तरीके से आपको हेयर्स के स्ट्रोक्स लगाने हैं। एक टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगी, हो सके तो छोटी एरिया को कवर करने की कोशिश करो। छोटे छोटे एरियाज को कवर करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा। एंड जहां पे हमारा फोरहेड की लाइन और हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है या फिर यू कैन से कि जॉइंट हो रही है, वहां पे आपको अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। अगर आप रेफरेंस फोटो में देखोगे तो इनकी जो हेयर लाइन है और जो फोरहेड की लाइन है ना वो विजिबल नहीं हो रही है, तो वो नहीं दिखनी चाहिए। अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे। छोटे छोटे एरियाज को कवर करने से मैंने ये जाना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, रियलिस्टिक रिजल्ट आता है। लाइट शेड का पेंसिल यूज़ करने के बाद में उसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो अलग से शार्प एजेस दिखते हैं। ब्लेंड करने के बाद में क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना वो सारा का सारा हट जाएगा। एंड इसको ब्लेंड करने के बाद में आपको एक्चुअल में दिखेगा कि कहाँ पर आपको लाइट वैल्यूज़ रखनी है, कहाँ पर आपको डार्क वैल्यूज़ रखनी है। उसके बाद में आप कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लाइक 8B और 10B। एंड साथ के साथ आप
आपको जहाँ जहाँ पे लगे कि यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो वहाँ पे आप चारकोल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना होगा, जैसे मैं इस पिक्चर में, इस रेफरेंस में कर रही हूँ। जितना हो उसके उतना छोटा एरिया कवर करोगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट में उस पेंसिल को, डार्क पेंसिल को ब्लेंड करने के बाद में वही सेम आपको हाईलाइट्स देने हैं। एंड हाईलाइट्स देने के बाद में भी आपको उसे ब्लेंड करना होता है, बिकॉज हाईलाइट्स देने के बाद में भी वो थोड़ा सा अलग से दिखता है कि हमने यहाँ से कुछ इरेज किया है, तो यहाँ हाईलाइट के बाद में भी आपको ब्लेंड करना। सो बेसिकली आपकी रियलिस्टिक ड्रॉइंग का सबसे बड़ा एक मैं बोलूँगी कि टूल होता है ब्लेंडिंग। आपने चारकोल यूज़ किया या ग्रेफाइट पाउडर यूज़ किया तब उसको ब्लेंड करना है, लाइट शेड की पेंसिल यूज़ की तब उसको ब्लेंड करना है, डार्क की यूज़ की तब उसको ब्लेंड करना है, हाईलाइट किया तब उसको ब्लेंड करना है। धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अगर ट्राई करोगे ना तो डेफिनेटली बन जाएगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम में नहीं आया था, मैंने भी इसे धीरे धीरे ट्राई किया। बस इन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आप भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख जाओगे। अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगे और अगर आप इस पोर्ट्रेट को मेरे साथ ड्रॉ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।